मेरे लिए खुशी की बात है। जब अभी मैं यहां सम्मानित कर रहा था कुछ विद्यार्थियों को, मैंने गिना नहीं, लेकिन मेरी ये प्राथमिक इंप्रेशन ये है कि शायद बेटियों की संख्या ज्यादा थी। इसका मतलब यह हुआ, जैसे रक्षा क्षेत्र में आज हमारी बेटियां इन दिनों पूरे देश में पुलिस बेड़े में बहुत बड़ी तादाद में हमारी यहां बेटियों का स्थान बना हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में बेटियां हमारी आ रही है। इतना ही नहीं, सेना में बहुत बड़े पदों पर आज हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। उसी प्रकार से एनसीसी, मैंने देखा है कि एनसीसी के कैडेट में भी बहुत बड़ी मात्रा में बेटियां आ रही है। आज भारत सरकार ने एनसीसी का भी व्याप बहुत बढ़ा दिया है, अनेक गुना बढ़ा दिया है। और सीमावर्ती जो स्कूल्स हैं, कभी कभी आप भी एक एनसीसी के रूप में भी स्कूलों में भी धीरे धीरे डेवलप हो सकते हैं। आप स्कूलों के एनसीसी को भी संभालने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उसी प्रकार से जो सैनिक स्कूल है, उन सैनिक स्कूलों में भी बेटियों के प्रवेश का एक बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने किया है। तो हमारी जो बेटियों की शक्ति है, और हमने देखा है जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रभावी भूमिका हमारी बेटियां न करती हो, चाहे ओलंपिक में विक्ट्री प्राप्त करने आना हो तो उसमें भी मेरी बेटियां ज्यादा है। साइंस के क्षेत्र में देखो तो हमारी बेटियां ज्यादा है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में देखो हमारी बेटियां ज्यादा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी जब हमारी बेटियों का प्रभुत्व भी उतना ही भागीदारी वाली होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देश की माताओं बहनों को सुरक्षा का एहसास होगा। और इस भाव को लेकर के, उस भूमिका को लेकर के आप सब आगे आए। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जब हमने लिया है, उस इनिशिएटिव को सफल बनाने का काम पहली बैच का ज्यादा होता है।